हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और भाई साहब, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है। भाई साहब, मैं बताता हूं स्टोरी क्या है। ये जो जगह है, यहां पर मैं सुबह भी घूम रहा था। वैसे ये अपनी जो है एक ऐसी जगह जहां पर अपनी गाड़ियां वगैरह खड़ी रहती हैं, और मतलब एक खाली जगह बेसिकली हमारे खेत के अंदर, तो गाड़ियाँ हम यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पर खड़ी हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह हमारे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह घूम रहा था, मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा था एक बर्ड का, मैं आपको बताऊंगा कि वो भी कौन सा है। तो वो यहाँ पर घूम रहा था, तो मुझे लगा कि भाई ये जो है नया नया पक्षी है, उड़ना सीख रहा है। फिर मैं आया लगभग 5-6 घंटे बाद में, दोपहर से भी थोड़ा सा बाद में, मैंने देखा कि यार ये जो बर्ड का बच्चा है, जो पक्षी का छोटा सा बच्चा है, वो अभी भी घूम रहा है। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, मामला नॉर्मल नहीं है, और ये जो बच्चा है ये नॉर्मली उड़ना वगैरह बिल्कुल नहीं सीख रहा है। देखिए, हम लोग एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन इतना बात ज़रूर से समझ में आ रही है कि ये जो बच्चा है ये कहीं ना कहीं घोंसले से गिर गया है, और ये जो है मतलब खुद उड़ करके या उस तरीके से नहीं है, ये गलती से गिर गया है यहाँ पर। तो हमने सोचा कि चलो उसको बचाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, क्योंकि इससे एक तो वो बच्चा भी बच जाएगा, उसका घोंसला वगैरह कहाँ क्या है वो भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। गाइस, आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन उससे दबा देना, क्योंकि गाइस देखो ये कोई वैसा हमारा एक्सपेरिमेंट का वीडियो तो नहीं था, लेकिन गाइस एक अच्छी चीज़ मुझे लगी ऐसा करना। और आप लोग भी जो है कोशिश किया कीजिए, जहाँ कुछ हो सकता है आप प्लीज़ जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको बचाने की कोशिश किया कीजिए। आपको पता है कि गाइस जहाँ पर भी मुझे ऐसा कुछ दिखता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा हम जो हमारे एनिमल्स हैं, भले वो बर्ड्स हों, वो सांप हों, वो कोई भी जानवर हो, उनके प्रति एक अच्छी सोच हमको रखनी चाहिए। मैं इस चीज़ में काफ़ी दिलचस्पी भी रखता हूँ, क्योंकि इससे हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है ना वो कंट्रोल में रहता है। तो एक बार आपको जो है वो बच्चा भी दिखा देते हैं बर्ड का, और उसके बाद में जो है उसको कैसे बचाना है उसकी भी पूरी तैयारी करेंगे। तो इधर आओ, ये बच्चा जो है देखो, ये रहा गाइज, ये कंटिन्यूसली यहीं पे घूम रहा है। इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल डराएंगे भी नहीं। आप लोग देख सकते हो, देखो ये अपनी चोंच खोल रहा है, और गाइज मुझे जो है देखने में ये एकदम हेल्दी सा जो है बच्चा यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे डर वाली बात ये है कि ये जो बच्चा है ना गाइज, ये अभी जो है फिलहाल बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कमज़ोर है इस एनवायरनमेंट के हिसाब से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है अच्छे से उड़ नहीं पा रहा है, और ऐसे में पूरे चांसेस है कि कोई अगर बिल्ली वगैरह या कोई कुत्ता कोई भी अगर इस एरिया में आता है तो वो इसको तुरंत से पकड़ के खा जाएगा और ये चला जाएगा। तो इसलिए हमको जो है जो भी करना पड़ेगा जल्दी करना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन आप लोग देखो यार, इतना सा तो बेचारे का साइज़ है, बहुत ज़्यादा क्यूट भी ये लग रहा है। एक काम करते हैं गाइज, इसको अब जो है मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, इसको टच करूँगा मैं पहली बार, अब तक मैंने इसको बिल्कुल टच वगैरह भी नहीं किया। अरे 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 ओए, देखो देखो देखो, ये चोंच खोल रहा है, ये मुझे काटने के लिए खोल रहा है, खाने के लिए, मतलब खाना चाहिए। ओए अरे, भग गया भग गया, हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आ गया 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 आ गया। ओए ओए ओए, इसके पंजे बहुत नुकीले हैं, देखो गाइस मेरे पैर के ऊपर इसका पंजा चुभ रहा है। ओ ओ भाई भाई भाई, आराम से, वैसे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम इसको डराने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। गाइस मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्टली, देखो मुट्ठी मैंने, ओए अरे काटेगा तो नहीं, नहीं यार इतना सा क्या ही काटेगा, मैंने इसको बड़ा ही सॉफ्टली पकड़ा हुआ है। देखो मैंने मुट्ठी अच्छे से बंद भी नहीं करी है, बस मैंने इतना पकड़ा है कि ये इसमें से निकले नहीं। आई डोंट नो कि ये इसको खाना चाहिए, इसको पानी चाहिए, या ये मुझे डराने के लिए इसको खोल रहा है, मतलब खुद की सुरक्षा के लिए। बट आई थिंक कि ये बिल्कुल छोटा बच्चा है, इसको इतना, अरे 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 भाई, ये कब से घूम रहा है, सुबह से घूम रहा है, और पक्षी भी इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन वो इसको ले जा नहीं पा रहे। दोस्तों ये जो है ना, ये है एक बर्ड होता है यहाँ पर हमारे लोकल में, उसको गांव में उसको डूमनी बोलते हैं, डूमनी। तो ये जो है उसी डूमनी का ही बच्चा है, और देखो यार ये कितना छोटा सा है गाइस। अरे 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 भाई, मैं इसको गिराना नहीं चाह रहा यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। भाई मैंने बड़ा मुश्किल से, मतलब इसको ऐसे सॉफ्टली पकड़ना पड़ रहा है। देखो इसने मेरे हाथ के ऊपर अपने पंजों की जो ग्रिप है, ओ अरे उड़ के गया नीचे, आ हा हा, अब मैं समझ गया गाइस, ये पेड़ से ऊपर से गिर गया होगा घोंसले से, लेकिन इसको इतना पता है कि गिरते टाइम खुद को मतलब झटके से नहीं गिरने देगा, लेकिन इसको उड़ना नहीं आ रहा। अभी देखा मैंने, अभी देखा कि क्या कर रहा है ये, इसको हम पकड़ लेते हैं। देखो 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 यार, ये इतना भाग रहा है, बड़ा फुर्तीला है भाई। अरे कहाँ गया, अरे यार इसके नीचे बैठ गया, इसको निकालना इसके नीचे से। तो भाई यहाँ पर पता है बच्चा है आप लोगों के सामने,
यहाँ पर बहुत सारे पक्षी सुबह से ही घूम रहे थे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत अब मुझे लगता है ये हो रही है कि ये लोग जो है ये इसको वापस नहीं ले जा पा रहे होंगे घोंसले में। तो हमने यहाँ पर काफ़ी ढूंढने की कोशिश भी करी कि भाई ये जो है कहाँ से आया हो सकता है, यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं चारों तरफ में, और मेरे को एक जगह इधर आओ यहाँ पर कहाँ था यार वो, अरे था यार यहाँ पे घोंसला सा था पेड़ का, यहाँ पर ही था यार। गाइस हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी कि यहाँ पर कोई ऐसा घोंसला या कोई ऐसी चीज़ हो, और मुझे वो दिखा भी था, एक नीम के पेड़ में था वो, रहा ये रहा। नहीं यार ये नीम का पेड़ तो नहीं है, इसके बगल में ये पेड़ है। तो अब जो है इसको कैसे हम लोग ऊपर चढ़ाएं, एक काम करें कुछ कोई कैमरा वहाँ डाल के एक बार देख लेंगे कि ये किसका है, ये बढ़िया रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने इस बांस के ऊपर एक कैमरा जो है वो अटैच कर दिया है, ताकि इसको हम इसके घोंसले पे वहाँ भेज करके ये देख सके कि क्या वो इसी का ही घोंसला है। और हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उस घोंसले में और बच्चे हों तो उनको हम ना गिरा दें, इसलिए मैं इसको दूर ही रखूँगा। तो भाई साहब जो कैमरा है वो तो पहुँच चुका है, लेकिन वहाँ पर अब क्या चीज़ है ये हमको इसमें देख करके ही पता चलेगा। तो भाई ये गया हमारा कैमरा पेड़ों में। अरे ओए इसमें और बच्चे हैं गाइस, इसमें और बच्चे हैं, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों मुझे इसमें देखने पर लग रहा है कि ये जो है इसका घोंसला नहीं है, ये एक दूसरा बर्ड है जिसको डव बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये उसका घोंसला है। गाइस छोटा सा पक्षी यहाँ पर बैठा हुआ है, एक ऐसा पक्षी जो कि आसमान की सैर मतलब इतना कर सकता है, कहीं से कहीं जा सकता है, लेकिन अभी इतना नन्ना मुन्ना सा है कि इसको उड़ना भी नहीं आता है। और इसके सामने एक पूरा जो है ब्राइट फ्यूचर हो सकता है अगर हम इसको जो है इसकी सही जगह पर रख दें, अदरवाइज इसको जो है कोई भी जानवर बिल्ली वगैरह बहुत ईजीली पकड़ सकती है। देखो आप ये जो है कितना वनरेबल है बेसिकली, तो पकड़ने की कोशिश करेंगे इसको। हाँ ठीक है। तो भाई साहब अब ये जो है थोड़ा सा हमारे साथ में फैमिलियर हो गया है, और आप लोग देख सकते हो कि ये मेरी एक उंगली के ऊपर फिलहाल जो है गाइस यहाँ पर बैठा हुआ, आंखें इसने खोल रही हैं, अभी आवाज़ भी जो है थोड़ी थोड़ी कर रहा है। जब ये मेरी फिंगर के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है तो इसके अंदर भाई साहब वेट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा हल्का है ये। इसको थोड़ा सा पानी पिलाएंगे पहले। यहाँ पर इस बर्तन में जो है थोड़ा सा हमारे पास में पानी है, और अब ये जो इसका थोड़ा डर भी हमसे खुल चुका है। अरे गाइस इसने पॉटी किया, कोई बात नहीं बच्चा है, इसने आंखें बंद कर रखी है, आई डोंट नो कि ये थका हुआ है। हाँ 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 देखो पानी पिया, इसने नींद में आंखें बंद कर रहा है, या फिर ये इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा थक चुका है कि इसमें अब हिम्मत नहीं बची है और कुछ करने की ऐसे लगता नहीं है, क्योंकि घूम भी रहा है। तो हाँ हाँ पी रहा है, पी रहा है, पी रहा है, पी रहा है गाइस, देखो पानी पी रहा है। और गाइस आपको आवाज़ सुन रही है, वो आई थिंक इसके इसकी माँ की या इसके ही किसी फैमिली मेम्बर की आवाज़ है। देखो ये देखो अभी गाइस देखो मेरे फिंगर से कितना ज़्यादा वो हो चुका है, ये छोड़ नहीं रहा है इसको। वाओ देखो पीछे से भी कैसा जो है एकदम पंख वगैरह इसके आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये जो है बहुत जल्दी जो है उड़ने भी लग जाएगा। ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा, थोड़ा सा और इसको डेवलप करना पड़ेगा पंखों में जो ताकत है और जो स्किल है, उसके बाद में उड़ने भी लग जाएगा पकड़ने इसको। ठीक है ऊपर लेके चलो इसको, अगर वो इसके इसकी मदर वगैरह कुछ होगी, इसका बच्चा ये होगा, तो वो इसको अपने साथ में ले जाएगी घोंसले तक। चलो अच्छा 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 आ गया आ गया आ गया आ गया गाइस 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 ये जो है यहाँ पर आ गया, और मैं कैसे भी इसको गिरने नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए। हैं कहाँ पे? हाँ गाइस यहाँ इन झाड़ियों के अंदर बिल्कुल, ये देखो ये घूम रहे हैं। और मैं काम अरे यार यहाँ एक और बच्चा है, ये रहा हैं गाइस यहाँ एक और बच्चा है। कलर तो अलग है पर लग तो इसके जैसा ही रहा है। ये इतने सारे पक्षियों के बच्चे जो है ये आ कहाँ से रहे हैं भाई साहब यहाँ पे? गाइस एक बच्चा और है यहाँ पे, ये कहाँ से आ रहे हैं भाई? आवाज भी कर रहा है ये। अरे मुझे लगता है ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब वो बोल रहा तब ये बोल रहा है। और देखो ये पक्षी भी यहाँ घूम रहे हैं, काम करते हैं। देखो 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 हाँ भाई 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 आ गए, तुम सही जगह आ गए हो। रुको मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ और फिर देखते हैं, क्योंकि अगर ये यहीं पे होगा तो ऊपर चला जाएगा ये, इतना तो जो है ये चल लेता आराम से। चलो 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 अब घर जाने का समय आ गया मेरे हिसाब से, और ध्यान रखेंगे हम इसका जब तक ये चला ना जाए। ठीक है
एक काम करते हैं, यहाँ से दूर हो जाते हैं, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। अरे वो पक्षी आएंगे नहीं यार अपने वजह से, क्योंकि बच्चा तो अपन से नहीं डर रहा पर वो पक्षी तो डरेंगे ना। पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। गाइस हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, अगर यहाँ पर ये बर्ड्स आते हैं इसका मतलब है कि ये इसी का ही है और इन झाड़ियों के अंदर ही चला जाएगा। शायद यहाँ से नीचे फिसल गया था और नीचे जो है एकदम खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पे हमको ही चढ़ने में जो है दिक्कत हो रही थी, तो ये शायद आ नहीं पाया होगा। और इसको घूम के आना इसको पता नहीं होगा यार, बहुत आगे से आना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। और पीछे हो जाते हैं यार, चलो। ओए अरे आ गई, देखो 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 गाइस, वाओ। एक बार थोड़ा पास आके दिखाओ गाइस। गाइस देखो कितना अच्छा मोमेंट है, एक बार पास आके दिखाओ थोड़ा सा। इसकी जो मदर है आई थिंक वो इसके पास आ चुकी है, देखो देखो। अरे ओए इसके पंखों में जान आ गई। देखो गाइस जो बच्चा है वो बोल रहा है मैंने कैमरा रख दिया है, और अब देखते हैं कि इसकी जो मदर है वो अपने बेबी के पास में आती है कि नहीं। हम लोग एकदम चुपचाप बैठ जाएंगे यहाँ पे, कुछ भी नहीं यहाँ पर बोलूँगा अब मैं, नहीं तो मेरी आवाज़ से वो डर रही हो सकती है अभी। ओए उसके बिल्कुल पास है गाइस, और आई एम श्योर कि ये जो झाड़ियाँ हैं ना इसमें जस्ट ऊपर इनका घोंसला है, क्योंकि एक दूसरा बच्चा आया था वहाँ से। ओए 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 उसको खाना खिला रही है गाइस 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 गाइस, वो उसको खाना खिलाई चोंच से, खाना खिला रही है ना, चोंच से खिला रही है उसको। क्या बात है गाइस, इसका मतलब है कि जो पक्षी है वो अपनी माँ से मिल चुका है फिलहाल। और गाइस यार क्या ब्यूटीफुल मोमेंट है, इतना दूर से मेरे को साफ नहीं दिख रहा लेकिन जब वो खिलाती है ना तो ज़रूर से दिखता है कि हाँ उसने खाना, उसने दो तीन बार उसको खिलाया उसकी चोंच में, और अब आई थिंक कि वो वापस से खाना वाना ढूँढ रही है इधर उधर में, देखते हैं वो क्या करती है। लेकिन गाइस हमारा जो काम है वो वैसे तो हो चुका है, हम उसको छोड़ चुके हैं, जस्ट ऊपर जो है उसका घर है। तो भाई साहब यहाँ पर हमारा जो क्यूट सा बेबी बर्ड है वो बैठा हुआ है, इसकी मदर से मिल चुका है, ये जो है यहाँ पे बैठा हुआ। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको जो है देख करके अच्छा लगा हुआ, और शुरू में गाइस मैं जिस तरीके की टेंशन में था या थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये पक्षी कहाँ से घूम रहा है, सुबह से मैं इसको देख रहा था, तो वो सारी भी गाइस अब जो है दूर हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ कि जो हुआ वो इतना अच्छा हुआ, और भले ही हम जो है इसके चक्कर में आज कोई शूट नहीं कर पाए, शाम को जो प्लान था वो सारा जो है जा चुका है, बट स्टिल जो है हम आपको एक ये वाली चीज़ दिखा सकते हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है, और मुझे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस मैं कितना खुश हूँ इसकी वजह से। देखिए किसी के लिए छोटी सी बात भी हो सकती है लेकिन उसकी तो जान की बात है भाई, वो जैसे वो नीचे घूम रहा था ना सुबह से, अगर कोई भी बिल्ली या कोई भी कुत्ता आएगा उसको तुरंत से वो खा जाता तुरंत से। अब यहाँ पर इसकी मदर को पता है कि ये यहाँ है, ये नीचे खुले में नहीं घूम रहा जिससे से वो पकड़ नहीं सकता, ये झाड़ियों के अंदर है, ये ऐसी झाड़ियों के अंदर है कि इसमें मैं भी घुसा, मेरे सर में हाथ पैर में भी कांटे चुभ रहे हैं, तो इसमें कुत्ता बिल्ली भी नहीं घुस सकता, ये वैसे भी सेफ है, और यहाँ पर और बच्चे भी हैं, इसका मतलब यहाँ इसका घर भी था। उसकी जो मदर है वो अभी भी उसके पास में घूम रही है, वो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय। सोचा नहीं था वीडियो बनाएंगे इस चीज़ का, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार अब ये हमारे लिए एक चैलेंज ही है कि इसको बचाना है हमको, क्योंकि ये पता है नीचे नीचे घूम रहा था, फिर तो चलो यार इसको शूट भी करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। चलो बाय।